हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोहे की खीर। इसे हम चूरा भी कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक कटोरी चूरा यानी कि पोहा। अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में लेकर अच्छे से धो लेंगे। 2 से 3 बार हमें धोना है इस तरह से। अब एक बर्तन में ले लेंगे 2 ग्लास दूध। इसे उबलने के लिए रख देते हैं। अब एक पैन में ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। उसमें हमें चूरा भून लेना है। इसे परमानेंट चलाते हुए हम भूनेंगे। पोहे को घी में अच्छी तरह से भूनने पर जो पोहे की अलग सी खुशबू होती है वो खीर में नहीं आएगी और खीर हमारी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। पोहे जब अच्छी तरह से भुन जाते हैं तो ये कढ़ाई से चिपकना भी छोड़ देते हैं। तो जब पोहे कढ़ाई से चिपके नहीं और इस तरह खिले खिले हो जाएं तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अभी खीर में डालने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर दूध उबलने लगा है तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1 कप। अब एक और उबाल आने देंगे। दोबारा उबाल आने के बाद हम इसमें चूरा ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएं। इसे हमें 5 से 10 मिनट तक पकाना है। बीच बीच में चेक करते रहें कि पोहे अच्छे से गल जाएं और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। तो पोहे अच्छे से गल जाएं तब हम इसमें अपने मनपसंद मेवे ऐड कर देंगे। तरह से कुछ देर पकाएंगे। तो खीर हमारी पूरी तरह से पककर तैयार हो जाए तब हम इसमें 8 से 10 पिसी हुई इलायची डाल देंगे। इसे मिला लें और गैस को ऑफ कर दें। तो देखिए गाढ़ी खीर तैयार हो गई है। तो अब तैयार है हमारी बहुत ही आसानी से और झटपट बनने वाली पोहे की खीर। तो आप भी ट्राई करें। बिल्कुल चावल की खीर की तरह ही ये भी बहुत ही टेस्टी होता है। बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि चावल की बनी है या पोहे की। तो आप ज़रूर ट्राई करें पोहे की खीर। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।